पांच या सात मैंबरी कमेटी हुण करवाएगी हरनाम सिंह तुम्मा ते रणजीत सिंह टडरियां वाले विचाले सुलह। यह फैसला अज अंतरिम कमेटी की बैठक दे विच लिया गया। SGPC प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने जानकारी दिंदे दस्या कि जल्द एक कमेटी गठित की जाएगी जो दोहां धिरां दे इस आपसी विवाद नूं खत्म करेगी। नाल ही उन्हां दोहां धिरां नूं अमन शांति बनाए रखने की अपील भी की। उधर पत्रकारा दे वलों 26 जनवरी 1986 दे विच SGPC नूं दमदमी टकसाल वलों भंग किए जाने के सवाल से अवतार सिंह मक्कड़ काफ़ी ज़्यादा तहस में आ गए थे। उन्होंने पत्रकारा नूं गुस्से च जवाब कुछ इस तरह दिता। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपने फर्जा की अदायगी करते हुए एक दोनों धिरां नूं अपील की जाती है बड़ी सुहिरदता नाल और बड़ी पंथक दर्द नाल ये अपील की जाती है कि वह अज तो बाद अमन शांति बनाई रखने की कृपालता करन और एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना करन। इस दोनों धिरां दे मसले नूं हल करन लई गलबात शांतमई तरीके नाल और पंथक माहौल नूं शांतमई बनाने लई पंथक माहौल नूं संजीदा और सही रस्ता दिखाने लई पंथ दीआं सर्वप्रवानत पंथक प्रमुख शख्सियतां दा दी एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जिहड़ी शख्सियतां होणगीआं वो दोनों धिरां नाल तालमेल करके इस संकट दे विचों पंथ नूं कढ़न लई अपना योगदान पाउण दा उद्यम उपराला कर रही है। 26 जनवरी 1986 यही टकसाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को भंग कर चुकी है। भंग हुई संस्था को अधिकार रह जाएगा कि वह उस जथेबंदी को दोबारा अपील करे कि वह तुसी जिहड़ी मैं गल कहनी सी कहती है बेनती की किसी ने सानू भंग नहीं किया। श्रोमणी कमेटी अज भी उवें चल रही है। केंद्रीय रेफरेंस लाइब्रेरी च पए ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ 86 ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ।